शनिवार को जिला मंडी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा देश की आज़ादी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। भड़के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंडी के चौहट्टा बाजार में कंगना रनौत का पुतला जलाया और कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान एनएसयूआई के जिला महासचिव हरविंदर कुमार ने कहा कि देश की आज़ादी में हजारों की संख्या में फौजी शहीद हुए हैं और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जो कि मंडी जिला से ही संबंध रखती है, उनके द्वारा देश की आज़ादी को भीख में मिलना कहना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को अपनी फिल्मी दुनिया में ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे विवादित बयान जारी कर देश का माहौल खराब ना करें। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि हाल में कंगना रनौत को दिया गया पद्मश्री अवार्ड को वापस लिया जाए। नमस्कार, मैं हरविंदर कुमार, मंडी एनएसयूआई महासचिव। आज आप सबको देखते हैं कि आज एनएसयूआई के द्वारा जो पुतले का दहन किया गया है, उसमें जो कंगना रनौत ने शहीदों के खिलाफ जो बयानबाजी की थी, जो उन्होंने कहा था कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली है, इसमें कंगना रनौत ने शहीदों का पूरा अपमान किया है। मैं कंगना रनौत का और एनएसयूआई की पूरी टीम की तरफ से कंगना रनौत का इस पर शेम कहता हूँ। कंगना रनौत एक बड़ा मिसी है, उन्हें वो एक्टर है, उन्हें सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस करना चाहिए। वो बेकार की राजनीतिक बातें करके देश में माहौल खराब करी है। हमें हमारे जो देश के जो वीर जवान थे, जो शहीद हुए हैं, वो उनका वो अपमान करती है और पहले भी करती रही है। उन्हें कहते हैं कि जो 1947 में जो हमें जो आज़ादी मिली है वो भीख के रूप में मिली है। क्या महात्मा गांधी ने कभी भीख मांगी? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी भीख मांगी? उन्होंने देश में कई उग्र आंदोलन किए, तब जाके देश को आज आज़ादी मिली है। और इन जैसे सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं, ये एक शेम की बात है। आज पूरे देश को इकट्ठा होकर कंगना रनौत की बयानबाजी पर कड़े से कड़े उस पर जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आज कंगना रनौत मुर्दाबाद। तो अभी उन्हें सम्मान के रूप में जो पद्मश्री दी गया है, हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि उन्हें वापिस किया जाए। ऐसे जिन लोगों के पास मानसिकता की कमी हो, ऐसे अवार्डों को उनको देना शोभा नहीं करता है। पहले उनका कोई इलाज करवाए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक होए, क्योंकि ऐसे बयानबाजी सिर्फ मानसिक रूप से जो कम होते हैं वैसे इंसान दे सकते हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहता चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द मीडिया के रूम में आकर अपने इस बात को क्षमा के रूप में माने, अपनी इस गलती को माने और अपना जो उनको अवार्ड मिला उसको वापिस लें। धन्यवाद। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।